हम आज बच्चों 31st नंबर क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चनों को हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। और ये देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है जो इसमें अब एक आएगा, एक जाएगा, फिर एक आएगा, एक जाएगा, ऐसे काम को करेंगे। इस पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आसानी से एग्जाम में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। कह रहा है कि ए कैन डू ए पीसेस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू इट्स इन 12 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डे, देन बी लीव्स एंड ए एलोन कंटिन्यू 2 डे आफ्टर दैट। सी ज्वाइन ए एंड द वर्क कंप्लीटेड इन 2 डेज मोर। इन हाउ मेनी डे कैन सी डू इट इफ ही वर्क एलोन। करा कि ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी इसे 12 दिन में कर सकता है। वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है और अगले 2 दिनों के लिए ए अकेला काम करता है। इसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिनों में पूरा हो जाता है। ज्ञात करें अकेले सी कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। अब हमारे पास जो पूछा जा रहा है, कह रहा है कि अगर एक कार्य को 10 दिनों में कर ले रहा है, ये कितने दिनों में कर ले रहा है? एक कार्य को अगर 10 दिनों में कर ले रहा है, 10 डेज, और बी इसी को 12 दिन में, बी 12 दिनों में, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या? 60 आएगा, और यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर आएगा क्या? 5 आएगा। वे 3 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। करें कि ए और जो बी है ना, वो 3 दिनों तक साथ काम, अगर 3 दिनों तक साथ काम करेंगे तो 6 5 11 एफिशिएंसी के साथ 3 यानी 33 काम कर देंगे, करेंगे कि नहीं? फिर बोला कि फिर बी काम छोड़ देता है और अगले 2 दिनों के लिए ए अकेला काम करता है। अगले 2 दिन कौन काम करता है? ए अकेले काम कर रहा है। इसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिनों में पूरा हो जाता है। कह रहा है कि इसके बाद सी जुड़ता है और 2 दिन में काम कंप्लीट करना हो जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम समझेंगे ना, कि जिस दिन से बी छोड़ा है अकेले, ये 2 दिन किया और सी के साथ 2 दिन और किया, मतलब अगर एक की बात करें तो वो टोटल 4 दिन और काम किया। अगर ए और 4 दिन काम किया होता, किया होगा, तो 6 एफिशिएंसी के साथ 4 दिनों का जो काम होता उसका 24 होता, और ये हो कितना जाता? 4 3 7 और 3 2 5, यानी हो जाता 57 काम। हमारा 60 काम तो टोटल है, टोटल वर्क की बात करें तो 60 है, और 60 काम में से 57 काम हो चुका है, बचा 3 काम जो सी अकेले 2 दिन आता है और एक के साथ करता है। तो 3 काम को 2 दिनों में करेगा ही, तो 3/2 एफिशिएंसी आ गई कि नहीं सी की? अरे 3 काम को 2 दिन में करेगा तो 3/2 एफिशिएंसी आ गई किसकी? सी की। अब कह रहा है कि ज्ञात करें अकेले सी कितने दिनों में काम कर पाएगा। अब 60 काम तो टोटल है हमारा, अगर 60 काम टोटल है ना, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो 3/2 है, तो 3/60 काम को करने में सी द्वारा 60/3/2, और 2 आएगा इधर तो ऊपर चला जाएगा, यानी 3 दुना 6 और 2 दुना 4, यानी सी द्वारा कितना दिन लिया जाएगा? 40 डेज। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। तो इस प्रकार हम इसको कर पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। तब अब घर पे कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? बहुत दिन हो गया घर पे रहे रहे, तो घर पे थोड़ा पढ़ाई जरूर करें,
आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। देखेंगे इस समय लॉकडाउन में ना दो चीजें आपको देखने को मिली होंगी, जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना, या तो करो नौकरी सरकारी या तो बेचो तरकारी। तो सरकारी नौकरियों वालों का पैसा तो आ रहा है, और जो सब्जी बेच रहा है वो भी, और किसी का तो बहुत मुश्किल से काम चल रहा है लॉकडाउन में। तो कोशिश करें कि घर में एक को तो सर एक का सरकारी नौकरी होना चाहिए, तभी हो सकता है कुछ। नहीं तो मुश्किल, इन दिनों जैसे ये कंडीशन चल रहा है ना, जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो गया है, ये तो सब जानते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। 32 नंबर, करें कि ए बी एंड सी कैन डू ए पीसेस ऑफ वर्क इन 24, 30 एंड 40 डे रिस्पेक्टिवली। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 डे बिफोर कंप्लीट ऑफ द वर्क इन हाउ मैनी डे वॉज द वर्क डन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे ही पैटर्न आते रहे हैं एग्जाम में। इसमें अब कोई चेंजिंग तो हो नहीं सकता, बहुत हो सकता, तो इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, हालांकि जो अपने पिछले साल आए हुए हैं, तो बिल्कुल आसान तरीक़ों से इसे करेंगे, आप सभी लोग कर पाएंगे इसे अगर करेंगे तो। करें कि ए बी सी क्रमशः, सॉरी, हाँ, करें कि ए बी सी क्रमशः 24, 30, 40 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। मीन्स ए अगर 24 दिन तक लगातार काम करे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर बी 30 दिनों तक काम करे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर सी 40 दिनों तक करे तो अकेले पूरे काम को कर सकता है 40 दिनों में। अब हम इसका एलसीएम जब लेंगे तो आएगा क्या? अरे 120 आएगा। अरे एलसीएम लेना तो अब आ गया ना आपको, अभी तक नहीं आया तो एलसीएम लेना सीखिए, क्योंकि अगर एलसीएम एग्जाम में निकालते रहेंगे आप ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए एलसीएम को फास्ट कर लीजिए, अब बहुत हो गया। अब देखिए यहाँ पर आएगा क्या? 4, इधर आएगा क्या? 3, मतलब इधर टोटल वर्क आ गया और इधर हमारा समय तो दिया है, टाइम है, इधर इफिशियंसी आ गई। कहने का अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, ज्ञात करें कितने दिनों में काम पूरा हो। इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से लगा सकते हैं, एक तो बेसिक मेथड से हम लगा सकते हैं इसे। जैसे देखिए, मान लीजिए कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कोई काम है, ए बी सी तीनों काम करना चालू करते हैं, ए बी सी उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले, मतलब मान लीजिए इधर सी निकल जाता है तो करता कौन है? बी, ए और बी करते हैं, ए प्लस बी करेंगे कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। अब ए प्लस बी 4 दिनों तक काम करते तो यहाँ पर 5 इसकी और 4 इसकी, ए की 5 एफिशिएंसी है और बी की 4 है, तो 9 के हिसाब से 36 काम हो जाता कि नहीं? अगर 36 काम आखिरी 4 दिनों में हुआ है, बाकी बचा जो काम वो ए बी सी तीनों कर रहे हैं, तो अगर हम 36 काम इसमें से माइनस कर लेंगे तो बचेगा क्या? अरे 4 और इधर 11 में से 8, ठीक है ना, 8, 9, 10, 11, एक बार, ठीक है। 84 काम को ये तीनों लोग करते, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी है कितनी? अरे 5, 4, 9, 12, 3, 12, तो 12, तो आप इसे काट देते तो आता क्या? अरे 4, 3, 12, 4, 2, 8, 4, 1, 4, 3, 7, 21, तो 7 दिन इधर और 7 दिन इधर लगे हैं और 4 दिन इधर लगे, तो कुछ 7, 11 दिन हुए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये वाली बात अगर हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि आखिरी के 4 दिनों तक इन दोनों अकेले, सॉरी, दोनों ने काम किया है, ए और बी ने, 9 एफिशिएंसी के साथ 36 काम, तो 36 माइनस किया तो 84 है, 84 काम को पहले तीनों लोग कर रहे हैं, तो 7 दिन इधर किया है और 4 दिन इधर किया है, तो 11 दिन टोटल लगे हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे पैटर्न के तरह अगर लगाते हैं तो थोड़ा सा समझेंगे इस बात को।
देखेंगे कैसे सॉल्व कर पाएंगे आप इसे। देखिए हम दूसरे तरह से इसको अगर लगाते हैं तो अगर ये चार दिन पहले काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ के चला जा रहा है, अगर ये नहीं जाता, सी अगर काम छोड़ के नहीं जाता तो क्या होता, अगर टोटल काम, एक मिनट इसको भी मिटा देते हैं, अगर सी 4 दिन पहले काम छोड़ के नहीं जाता ना तो सी की इफिशेंसी है कितनी, 3, और 4 दिनों में कितना काम कर लेता, 12 काम कर लेता। तो अगर हम इसमें 12 और जोड़ दें तो हो क्या जाएगा, 2, 3 और 1, 132 काम हो जाएगा कि नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों से ही 132 काम को करा सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी 132 काम को 12 एफिशिएंसी के अनुसार, 12 एक कम 12 यानी 11 डेज लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाता। तो इस प्रकार हम बिल्कुल आसानी से तुरंत ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, हमने बस इतना किया है ना कि इन तीनों का एलसीएम लिया है और सी एलसीएम आया हमारा कितना, 120 आया। अगर 120 आ गया तो 4 दिन जो सी काम आखिरी में छोड़ रहा है, अगर करता तो 12 काम और कर देता तो टोटल काम हो कितना जाता, 132 बट्टा 12 आता, यानी हमारा आता क्या 11, यानी हमारा 11 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है टोटल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, एक स्टेप के बाद एक स्टेप है, तो हम ये कहेंगे आपको ना कि आप सारे क्वेश्चनों को शुरुआत से देखें तभी आपको समझ में आएगा और आप सारे क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। देखेंगे बेसिक तरीके से शुरुआत में बताया गया, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, देखेंगे आप एक दिन इसके मास्टर बन जाएंगे, आप खुद ही पढ़ाने लगेंगे, आप खुद ही बोलेंगे कि सर अब तो ऐसे होगा, अब ऐसे भी कर सकते हैं, एक नया कंसेप्ट इसी में से निकाल लेंगे आप। तो आप पढ़िए घर पे, शुरू शुरू से ही पढ़िए। अब तो कोचिंग भी नहीं आना कि सुबह तैयार होके आ रहा है और घर पे रहना है, 1 घंटा का टाइम निकालो और पढ़ो इसे 1 बार 2 बार जितनी बार हो सके, वीडियो को देखो बार बार रिवाइज करो। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए पहले तो इंग्लिश वाला पढ़ देते हैं। ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, 24 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, देन होल वर्क विल बी फिनिश इन हाउ मेनी डेज। करें कि ए बी सी क्रमशः 20, 24 और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया तो पूरा कितने दिनों में होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन जैसा है पिछली प्रीवियस वाला, ए बी ने काम पिछली प्रीवियस क्वेश्चन ही जैसा है, ए बी क्वेश्चन है, तो आइए कराते हैं इसको। करें कि ए ने ए को अगर दे दिया जाए काम करने के लिए तो कितने दिनों में करेगा, 24 दिन में। अगर बी की बात की जाए तो बी कितने दिनों में करेगा, सॉरी 24 बोल रहे हैं, इधर 20 है, इसका 20 है, और इसका कितना है 24, ठीक है। और सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, अरे 5 चौक 20 और 4 छके 24 और 6 पचे 30 यही आएगा ना। अब यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करें, 5 चौक 20 इधर 6 आएगा और 6 चौक 24 इधर 5 आएगा और इधर 5 छके 30 इधर 4 आएगा। तो अगर तीनों एक साथ काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी तो आया कितना, 6 4 10 5 15 आया। अब इनका क्या आया, 6 5 चौक 20 और 6 2 12 120 आया टोटल वर्क।
अब यहाँ देखेंगे कि ए और बी ने पूरा होने से 4 दिन पहले, हम जो प्रीवियसली और क्वेश्चन में समझाए हैं कि अगर हम इसे छुड़वाते नहीं ना, जो ये है कि ये बोला है कि ए छोड़ दे रहे, ए बी ने पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, अगर नहीं छोड़ते 4 दिन पहले नहीं छोड़ते ए और बी, तो कितना काम करते? 6, 5, 11, मतलब 11 काम ए और बी द्वारा 4 दिनों में, 4 दिनों में किया जाता। एक मिनट, 4 × 11 एफिशिएंसी के साथ 44 काम किया जाता। अगर ए प्लस बी काम छोड़ के नहीं जाते तो अगले 4 दिनों में 44 काम और कर लेते, और टोटल 120 काम तो पहले से हमारा है, यानी टोटल वर्क हो कितना जाता, 4, 4 × 2, 6 और 1। अब देखिए, अब किस हिसाब से 164 वर्क हमारा टोटल आ गया। अब तीनों कर सकते हैं कि नहीं साथ, तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 164 काम को करने में 15 एफिशिएंसी के साथ कितना लगेगा? अरे 15 × 1 = 15 और इधर 10 = 14/15 आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ पाए होंगे, और हमारा कहने का मतलब है ना, अगर ऐसा ना करा के हम आप पिछला पैटर्न को करते हैं ना तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको करा देते हैं तो फास्ट आ जाएगा। अगर ए प्लस बी द्वारा 4 दिनों में करा दिया जाता तो क्या आता, 6, 5, 11 काम, 11, 4, 44 होता, और 120 काम में 44 काम और जुड़ता, 164 हो जाता, और ए बी सी 164 काम को 15 एफिशिएंसी के साथ 10 × 14/15 दिन में पूरा कर लेते। तो इस प्रकार आप इसे, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में करिए, फोटो स्क्रीन शॉर्ट स्क्रीन लेके इसको आप हमारे ऐप्स पर या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, तो वहाँ से हम दोबारा इस क्वेश्चन को बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपर? करेक्ट। कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क रिस्पेक्टिवली इन 24, 36 और 48 डे रिस्पेक्टिवली, सॉरी सेपरेटली, वहाँ पर वर्क सेपरेटली इन 24, 36 और 48 डे रिस्पेक्टिवली। सेपरेटली मतलब अलग अलग। बी लीव 7 डेज बिफोर कंप्लीशन एंड ए लेफ्ट 3 डे बिफोर कंप्लीशन, वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे करा हुआ है, तो देखेंगे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। ए बी और सी अलग अलग क्रमशः 24, 36 और 48 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले, और ए ने, अब यहीं पर ये सोचने वाली बात है, करे कि बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले और एक काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। यही बात कर रहे हैं कि अगर नहीं छोड़ता, उसे ज़बरदस्ती करवा लो, अगर वो छोड़ने की बात करे ना तो उसे घसीट के और करवा लो, तो ज़्यादा काम हो जाएगा, समझ गए? अब देखो, एक की बात करें, एक कितने दिनों में पूरे काम को कर सकता है, 24, और बी 36 और सी 48। अगर हम एलसीएम ले तो क्या आएगा, 12 तो कॉमन हो जाएगा, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, अब 12 × 4 = 48, यानी 2 और आएगा, तो इसको हम लिखते 3 × 6 = 12, अब 144 हमारा आ रहा है। इसको डायरेक्ट एलसीएम ले के आप कर सकते हैं। देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको एलसीएम एकदम याद हो जाना चाहिए जबान पे। जैसे ही देखो 24, 36, 48, हम बार बार यहाँ निकाल के दिखाएंगे नहीं,
कि कैसे आ रहा है, 24, 36, 48 कैल्शियम, 144 होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 12 × 24 यहाँ पर आएगा क्या, 6 आएगा, 36, अब 12 × 36 यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर 12 × 24, 24 × 48 यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। आपको दिख रहा है प्रॉपर? अब देखिए कि अगर तीनों लोग साथ काम करते, ए प्लस बी प्लस सी, तो काम होता कितना, अरे 6, 4, 10, 3, 13 काम होता, 13 काम होता कि नहीं, थोड़ा इसमें आ गया है तो डिस्टर्ब ना होएंगे, 13 काम हो रहा है, 144 कराना। अब बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ता, बी अगर टोटल 144, टोटल वर्क 144 है, बी सात दिन पहले काम नहीं छोड़ता, तो 4 के हिसाब से 7 × 4 यानी 28 काम और करता, एक काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर एक ही बात करें, 3 दिन पहले काम नहीं छोड़ता, तो 6 के हिसाब से 18 काम और कर पाता, यानी 8 × 16, 17, 18, 19, 20 को 0, 4 × 6, 7, 1, 8 और एक इधर 180 काम हमारा हो जाता, जो कौन कर पाते, ये। अब तीनों 180 काम तो हमारा टोटल आ गया, अगर 180 काम हमारा टोटल आ गया तो अब इसे करेगा कौन, ए बी सी तीनों करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 180 काम को करने में किस एफिशिएंसी के, 13 एफिशिएंसी के अनुसार कितना लगेगा, तो अब यहाँ पर आएगा क्या, 13 × 14, 15, 16, 17, 18, 13 × 5, 18, तो 5 बचा, तो 5 × 13 = 39, यानी ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार देख पाएंगे कि हम उनको ज़बरदस्ती करा ले रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं ना तो भी हम उनको करा ले रहे हैं, और वो टोटल वर्क, अब जब हम उनको ज़बरदस्ती कराएंगे तो काम तो ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे वही काम हम ऐड कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार आप समझ पाए होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए अब टाइम वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, विजुअल हो रहा है आपको, चलिए आइए। कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 15 hours, 12 hours एंड 20 hours रिस्पेक्टिवली। एट 4 PM ए बी एंड सी स्टार्ट टुगेदर, आफ्टर वर्किंग टुगेदर 2 hours, ए लेफ्ट एंड बी लेफ्ट 2 hours बिफोर, देन कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन व्हाट टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। कह रहा है कि ए बी सी क्रमशः 15, 12 और 20 hours में कार्य कर सकते हैं। शाम 4 बजे ए बी एंड सी एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने कार्य पूरा होने से 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया, पूरा काम किस समय पूरा हुआ। अब देखिए जो यहाँ पर ये बात है कि एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया। अब 2 घंटा जो पहले छोड़ा है ना उसको तो हम ज़बरदस्ती करा लेंगे, लेकिन इसकी जो ए ने काम छोड़ दिया तो उसको निकालना पड़ेगा आपको। अब देखिए कैसे कर पाएंगे, ए अगर 15 घंटे में पूरे काम को कर लेता है और बी कितने घंटे में, 12 घंटे में, और सी 20 घंटे में, तो आप एलसीएम क्या लोगे, 60, तो इधर आएगा क्या, 4, 5 और 3। अगर तीनों को साथ काम कराया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो होगा क्या, 5, 4, 9, 10, 11, 12 होगा कि नहीं। करें कि 4 बजे ए बी सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 4 बजे एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद
अगर ये 2 घंटे एक साथ काम करेंगे तीनों के तीनों, तो अगर हम तीनों एक साथ काम कितने घंटे, एक साथ 2 घंटे, तो कितना काम हो जाएगा, 24 काम हो जाएगा। 2 घंटे एक साथ काम किए और 24 काम कंप्लीट हो गया। ए ने काम छोड़ दिया और बी ने, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 60 काम टोटल है, 24 काम कंप्लीट हो गया है, तो बचा क्या, 6 और इधर 3, सॉरी, तो 36 काम हमारा बच गया है। और कह रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया। तो अगर बी ने काम नहीं छोड़ा होता तो बी द्वारा 5 मतलब 2 घंटे में कितना काम कर पाता, 2 घंटे में 5 इफिशियंसी के साथ 10 काम और कर लेता, तो हो कितना जाता, 46 काम। अब इसे दोनों कर पाएंगे ना, ए प्लस कौन कौन, एक किसने छोड़ा है, एक साथ काम करने के बाद इन्हें काम, ये तो छोड़ देता है शुरू में ही, देखेंगे इन्हें तो छोड़ दिया है ना, तो बचे कौन, बी और सी, 5 3 8 एफिशिएंसी के अनुसार 46/8 काम, इतना टाइम लगाते, 46 काम को 8 एफिशिएंसी के साथ करते, तो आएगा क्या, 2 1 कम 2, 2 3 सॉरी 2 2 4 और 2 3 6, 2 4 8, यानी 4 5 20 सही, 3/5 ऐसे आप कर लोगे क्या, सॉरी 3/4, तो इसे कर लोगे 60 से गुणा, तो होगा क्या, 4 1 कम 4, 4 5 20, 15 3 45, 5 घंटा 45 मिनट, और इधर 2 घंटा हमारा लग चुका है, यानी 2 घंटा उधर, 2 घंटा प्लस 5 घंटा 45 मिनट। अब देखिए तो होगा कितना, 7 घंटा 45 मिनट। अब 4 बजे से 7 घंटा, यानी 7 3 10 11, 11:45 पर हमारा पूरा काम समाप्त हो गया। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जब हमको टाइम वाला निकालना पड़ेगा तो किस तरह हम करेंगे। तो पहले तो इसका एलसीएम हमने ले लिया है, ए ने 15 दिन में, बी ने 12 दिन में, सी ने 20 दिन में एलसीएम लिया, 4 5 3 एफिशिएंसी आई। कह रहा कि एक साथ 2 घंटा काम करने के बाद इन्हें काम छोड़ दिया, पहले 2 घंटा हमने कराया है, 12 गुणे 2 कराया है, यहाँ पे 2 घंटे काम कराया है इनसे, तो ये 24 काम कर दिए हैं। तो 60 में से अगर टोटल काम हमारा, टोटल वर्क अगर 24 है, सॉरी 60 है, तो 24 घटा, तो 36 बचा ना। कह रहा कि 2 घंटा पहले बी ने कार्य समाप्त होने वाला था कि 2 घंटा पहले बी भी काम छोड़ देता है, हम बी से जबरदस्ती कराए हैं, तो बी द्वारा 2 घंटे में 5 एफिशिएंसी के अनुसार 10 काम और, यानी 36 10 46 काम हो गया। अब बी और सी दोनों 5 3 8 एफिशिएंसी के अनुसार 46 काम को करेंगे, तो 46/8, यानी हम लिख सकते हैं 5 से 3/4 इसे। अगर यहाँ पर एक चीज़ देखने में बात है कि 5 सही 3/8 को हमने, सॉरी 3/4 को हमने कैसे कैलकुलेट किया है घंटे में, 5 सही कितना है, 3/4, ये 5 तो घंटा हो गया, और यहाँ पर ये मिनट में इसको घंटा में बदलने के लिए हमने 60 से गुणा किया है, तो 4 1 कम 4, 4 5 20 और 15 3 45, यानी हुआ कितना, 5 घंटा 45 मिनट, हावर इसे बोलते हैं, हावर 5 घंटा 45। अब 2 घंटा तो पहले ही इन्होंने कर लिया है तीनों ने साथ में, तो 2 घंटा और हमने जोड़ दिया है, तो हो गया कितना, 7 घंटा 45 मिनट। इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन भी कर पाए हैं, और इस वीडियो को देखेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आई है उसे हमको बताएंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद, और आपने जो प्यार दिया उसके लिए भी हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। आप वीडियो को देखते रहिए और दूसरों को भी शेयर करिए। थैंक यू।